गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है 2 अक्टूबर। तो सबसे पहले तो गांधी जयंती की शुभकामनाएं सभी को। और आज के करंट अफेयर हम यहां पर देखेंगे। कल संडे था, कल का वीकली नहीं हुआ था क्योंकि कल मैं आपके लिए मंथली प्रिपेयर कर रही थी सितंबर का, हो गया है वो, आज अपलोड भी हो जाएगा, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। अभी इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे 29th BPSC अभी कंडक्ट हुआ है 30th सितंबर को। तो कुछ क्वेश्चन जो उसमें पूछे गए हैं करंट अफेयर के, उनको यहाँ पर देख लेते हैं। डेफ एक्सपो 2022 की थीम क्या थी, ये इसमें पूछा गया था। फिर नेक्स्ट है, हु इज़ द हेड ऑफ रशियाज वैगनर मर्सनरी ग्रुप। द 3 डे सेलिब्रेशन ऑफ थर्डिंग्यूट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री। वट इज़ द नेम ऑफ द डीप सी सबमर्सिबल दैट इम्प्लोडेड ड्यूरिंग एन अंडर वाटर वोयेज टू द टाइटैनिक रिकेज। और फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से पूछा हुआ था। NEP 2020 emphasis the integration of vocational education into mainstream education from which grade onwards, कौन सी grades से mainstream education में vocational education को शामिल कर दिया जाएगा। तो ये कुछ question थे 69th BPSC के। और अब इनके answer, आप लोग कहेंगे answer क्यों नहीं बताया, तो answer भी मैं बताती हूँ। इनके Deaf Expo 2022 इसकी theme क्या है, Path to Pride। फिर ये जो festival है ये म्यांमार का festival है। डीप सी सबमर्सिबल इसका नाम टाइटन है। और NEP कौन सी ग्रेड में NEP के तहत वोकेशनल एजुकेशन शामिल की जाएगी, तो 6th ग्रेड 6th क्लास से मेन स्ट्रीम नॉलेज के साथ में वोकेशनल एजुकेशन को भी शामिल किया जाएगा। अभी सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ना मुझे थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही है, तो ये होगा येवगेनी प्रिगोजिन, ठीक है, रशिया का वैगनर मर्सनरी ग्रुप के हेड ये हैं। तो ऐसे ना PYQs देखते रहा कीजिए अलग अलग एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं, क्योंकि वही घूम फिर के वही क्वेश्चन आने होते हैं सभी पेपर में, है ना। चलिए अब क्वेश्चन आज के शुरू करते हैं। व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। 2 अक्टूबर को ये दिन सेलिब्रेट होता है, गांधी जयंती जिस दिन होती है। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी 2 अक्टूबर को आज ही के दिन होती है। यहाँ पर गांधी जी से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। कांग्रेस का सेशन गांधी जी के द्वारा प्रेजाइड किया गया था 1924 में बेलगाम में, और ये एकमात्र ऐसा सेशन है जो उन्होंने प्रेजाइड किया था। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए थे तो उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, कहाँ पर, पीटर मेरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर। व्हेन वाज गांधी इरविन पैक्ट साइन, ये साइन हुआ था 5 मार्च 1931 में। करो या मरो, डू और डाई का स्लोगन गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट में 1942 में दिया था। महात्मा गांधी को हाफ निकेड फकीर किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था। और 1970 में गांधी जी को मारने की कोशिश की गई थी फूड पॉइजनिंग के जरिए, तो उनको बचाने वाला कुक उसका नाम है बतख मियाँ, ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ द रेसिपियंट ऑफ द 2023 शास्त्र रामानुजन प्राइज। शास्त्र रामानुजन प्राइज ये मिला है रुइज़ यांग झांग को, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इन्हें 2023 के लिए शास्त्र रामानुजन प्राइज़ के लिए सेलेक्ट किया गया है। यहाँ पर कुछ अवार्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। 53rd दादा साहब फाल्के अवार्ड वहीदा रहमान को मिला है। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को IGBC के द्वारा ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन दिया गया है। 65th रमन मिक्सेसे अवार्ड डॉक्टर रवि कन्नन को मिला है फ्रॉम इंडिया। मिस अर्थ इंडिया प्रियं सेन है। स्वामित्व स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, इसने नेशनल अवार्ड जीता है फॉर ई गवर्नेंस। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का उद्योग रत्न अवार्ड ये मिला है रतन टाटा को। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड नरेंद्र मोदी को दिया गया है। और माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड मिला है शंकरी चंद्रन को। हु इज़ द MD एंड CEO ऑफ केनरा बैंक, ये है के सत्यनारायण राजू, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें। तो डेप्यूटी गवर्नर RBI के M राजेश्वर राव, इनको 1 साल के लिए रीअपॉइंट कर दिया गया है। ICICI लॉम्बार्ड के MD और CEO हैं संजीव मंत्री। भार्गव दास गुप्ता को रिप्लेस करके इनको लाया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के मार्केट सॉल्यूशंस के वाइस प्रेसिडेंट भार्गव दास गुप्ता बनाए गए हैं, जो पहले ICICI लोम्बार्ड के MD थे, ठीक है। HDFC बैंक के MD और CEO शशिधर जगदीशन हैं, 3 साल के लिए इनको रीअपॉइंट किया गया है। और मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरमैन हैं रजनीश कुमार, ये फॉर्मर SBI के चीफ थे, अभी मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरमैन बनाए गए हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह चेयर्ड द 31st मीटिंग ऑफ द नॉर्दर्न जोन काउंसिल
हेल्ड इन विच सिटी? तो ये जो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल है ये हुई थी अमृतसर में, ठीक है, और इसको हेड किसने किया? अमित शाह। इस मीटिंग में पंजाब के सीएम, हरियाणा के, हिमाचल प्रदेश के सीएम, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर, चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर, सीनियर मिनिस्टर्स फॉर मेंबर स्टेट्स, यूनियन होम सेक्रेटरी, इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटरी, ये सारे इसमें मौजूद थे। और इसमें क्या होता है ना, जैसे हर एक रीजन, इंडिया के हर एक रीजन के लिए 5 जोनल काउंसिल बनी हुई हैं, तो इनमें से ये है नॉर्दर्न जोनल काउंसिल। इसमें जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी के प्रमुख इसमें भाग लेंगे और फिर वो उस रीजन के बारे में बात करते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ नहीं आ रही हैं, कहाँ पर काम करना है, क्या कहाँ काम अच्छा हुआ है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए ये होता है। और इन सभी मीटिंग्स को चेयर किया जाता है होम मिनिस्टर के द्वारा। पीएम मोदी हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द आकाशवाणी दाहोद FM रिले स्टेशन प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? तो गुजरात में आकाशवाणी दाहोद FM रिले स्टेशन प्रोजेक्ट की फाउंडेशन स्टोन रखी गई है पीएम मोदी के द्वारा। बस इतना ही याद रखिएगा इसमें। अकॉर्डिंग टू विच ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट द एल्डरली पॉपुलेशन इन इंडिया इज लाइकली टू डबल बाय 2050? 2050 तक एल्डरली पॉपुलेशन भारत की डबल हो जाएगी। वैसे ये क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, फिर भी UNFPA की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा हो जाएगा, 20% हो जाएगी एल्डरली पॉपुलेशन जो भारत में अभी है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्स्ड डबल्स पेयर वन द गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम्स 2023? तो रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले, इन दोनों के द्वारा मिक्स्ड डबल्स पेयर ये जीता गया है एशियन गेम्स में, गोल्ड मेडल इन दोनों ने मिलकर जीता है चाइनीज प्लेयर को हरा कर, ठीक है। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज़ एसोसिएटेड विद विच गोबर्धन स्कीम? गोबर्धन स्कीम से जुड़ी हुई मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। और अभी क्या किया गया है ना, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इंट्रोड्यूस किया है एक यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर गोबर्धन टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रिंग कंप्रेस्ड बायोगैस एंड बायोगैस फैसिलिटीज अक्रॉस द कंट्री। बेसिकली गोबर्धन स्कीम को सिंप्लीफाई करने के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। भारत ड्रोन शक्ति एग्जीबिशन वॉज इनाग्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी? तो इसको उत्तर प्रदेश में इनाग्रेट किया गया। उत्तर प्रदेश में भी हिंडन एयरबेस जो है वहाँ पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसे इनाग्रेट किया है। ये ऑर्गेनाइज किया गया है जॉइंटली बाय इंडियन एयरफोर्स एंड ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। विच यूनियन मिनिस्ट्री इशूड द फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन अमेंडमेंट रूल्स 2023? तो होम मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स 2023 को इशू किया गया है। अब इसके ज़रिए क्या होगा, एनजीओज जो हैं उन्हें FCRA लाइसेंस के साथ जुड़ना मैंडेटरी कर दिया गया है। अब इसमें क्या होगा ना कि उन्हें फॉरेन कंट्रीब्यूशन जितना भी मिलेगा और उसके ज़रिए जो भी एनजीओज का एसेट क्रिएट होगा वो सब उनको बताना पड़ेगा, उस सब की डिटेल्स देनी होगी, चाहे वो मूवेबल हो या फिर इमूवेबल हो। अब लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सिक्किम बिकेम अ फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इन 1974, 1975, 1976 या फिर नन ऑफ द अबव? सिक्किम भारत का एक फुल फ्लेज्ड स्टेट कब बना था ये बताना है आपको। और इसी के साथ ये वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।